मैं आसिफा बेगम बेंगलुरु से, और फेबिना ग्रुप के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ जो मेरे लिए एक मौका मिला है और हाउसवाइफ्स के लिए कुकिंग सीजन 2 में पार्ट ले रही हूँ। आज हम बनाने वाले हैं 2 डिशेस, वन इज डेजर्ट, वन इज एन अफगानी डिश कॉल्ड मंटू। ओके, चले अब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पहले डिश के इंग्रेडिएंट्स, इस डिश का नाम है अफगानी डिश मंतू, जो हम इंडियन वर्जन में बना रहे हैं। आपके जी चिकन मिक्स, दिस इज़ 1 टेबल स्पून गर्म मसाला, ये है 1 स्पून हल्दी पाउडर, ये थोड़े से कैश्यू नट्स लिए हैं मैंने, ये दिस इज़ चिली पाउडर, दिस इज़ धनिया पाउडर, दिस इज़ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 कप मैदा लिया है। पहले हम फिलिंग के लिए मसाला तैयार करते हैं। के लिए हमको चाहिए 1 चॉप्ड ऑनियन, उसको चॉप करेंगे हम लोग, 1 चॉप चिली, 1 चॉप चिली चॉपर में डालेंगे। ये मसाला तैयार करेंगे, थोड़ा सा ऑयल देंगे, ना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑयल बस। फिलिंग तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमको चाहिए 1 चॉप्ड ऑनियन, ऑनियन एंड चिली, 1 चॉप्ड ऑनियन एंड चिली थोड़ा गोल्डन होने तक भुनेंगे। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें, इसको थोड़ा सॉटे करेंगे। हल्की आंच पे थोड़ा सा भूनेंगे, लो फ्लेम पर थोड़ा भूनेंगे और इसको हम डाल देंगे। कलर इसका चेंज होने तक भूनेंगे मसाले। अब ये थोड़ा पक चुका है, अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पेपर पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा, और इसमें पर 1 स्पून चीनी, थोड़ा सा धनिया, हल्दी पाउडर डालेंगे वाली 1/2 स्पून, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। नमक डालें, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। पानी बिल्कुल कम डालना चाहिए इसमें, क्योंकि ये फिलिंग है, वेरी लिटिल वाटर लेना, लेस वाटर, ओनली थोड़ा सा पानी इतना है ताकि मसाले जले नहीं। अब इसमें थोड़ा सा कोरियर डाल देंगे अच्छी तरह से पकने के बाद। तो अब इसका ये फिलिंग तैयार हो चुकी है। 1 कप में मैदा लिया है, इसमें इसका हम डोब लगाएंगे मंटू का। तो इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालें, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा ऑयल, वन टेबल स्पून ऑयल,
दिस डोव इज रेडी नाउ. पालक को अच्छी तरह से धो के उसको ब्लांच करके गर्म पानी में थोड़ा डाल के उसको ब्लांच करके रखा. अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे. दिस इज फॉर सॉस. इसमें थोड़े कैश्यू ऐड करेंगे, 3-4 कैश्यू. अब इसमें हम अच्छी तरह से पेस्ट बनाएंगे. पालक का हम जो पेस्ट बनाया था वो ऑयल डालेंगे, उसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे, इसमें थोड़ा सा गार्लिक, चॉप गार्लिक, जीरा, कैजू एंड फिनिश. फिनिश को हमने ब्लेंड करके थोड़ा ठंडे पानी में डाल के उसके बाद मिक्स में घुमाया था. थोड़ा गरम मसाला पाउडर डाल के उसमें डाल देंगे, थोड़ा चिली, मसाले थोड़ा जले नहीं इसलिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे. अब इसको क्रीमी कंसिस्टेंसी में लाने के लिए हम थोड़ा सा अमूल फ्रेश क्रीम डाल, ये अमूल फ्रेश क्रीम है, ये थोड़ा सा इसमें डाल. दिस इज अमूल फ्रेश क्रीम. और लास्ट में हम थोड़ा इसमें कसूरी मेथी डालेंगे. इसको ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए क्योंकि ये कलर चेंज करते, इसे ढक के नहीं पकाना चाहिए, इसका कलर ब्लैकिश हो जाएगा, इसलिए इसे ग्रीन ही रखने के लिए खुला पकाना चाहिए. और इसमें कसूरी मेथी डालना. अब मैदा जो हम तैयार करके रखा है उसको हम सूखे आटे में बेल देंगे. पतला सा बेल के राउंड शेप में कट करेंगे. अब जो फिलिंग तैयार की थी वो इसमें भरेंगे, थोड़ा करके थोड़ा पानी लगा के किनारों में साइड्स पे पानी लगा के इसको इसी तरह से फोल्ड कर देंगे. इसी तरह के हम लोग सारे डंपलिंग्स तैयार करेंगे. हमने सारे तैयार कर लिए हैं. आप इस फिलिंग में आप चाहे तो मटन का कीमा या जो कोई भी आप चाहते हैं वो उसको फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन का कीमा लिया. अब हम इसमें स्टीम करेंगे. आपके पास स्टीमर नहीं तो आप इस तरीके से स्टीम कर सकते हैं. स्टीम हो चुके हैं, अब हम इसको
प्लेट में ये दूसरी वाली डिश बनाएंगे जो मीठा है, जो बहुत पसंद आएगी बच्चों को, बड़ों को, हल्दी के लिए। इसमें चाहिए हम लोग को ये चाइना ग्रास से अगर अगर इसको डालेंगे। ये मैं कट करके अच्छी तरह से धो के दो तीन पानी में इसको डाल रही हूँ, इस तरह से पकाएंगे। अगर डायरेक्टली दूध डालेंगे तो कभी कभी फटने का खतरा होता है, कभी दूध फट जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा पका के बाद में इसमें दूध और क्रीम डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। ये अच्छी तरह से पकने के बाद शुगर हम लास्ट में डालेंगे, ये थोड़ा सा क्रीम डालेंगे। इस पनीर का नाम है शाही गुलाब। अब इसमें हम थोड़ा सा फ्लेम हल्का करके इसमें शुगर ऐड करेंगे, थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। बहुत टेस्टफुल होगी, जो बच्चों को, बड़ों को, हर एक के लिए पसंद आएगी। ठंडा होने के बाद इस टाइप के मोल्ड में डाल के इसको रेफ्रिजरेट करिए। उसके बाद मैं पहले से ही डाल के इसको सेटिंग करके मोल्ड से निकाल के इसमें रख देंगे, रोजेस को रखते हैं, निकाल के सारे मोल्ड से निकाल के ये डेजर्ट को इसमें जमा देंगे। इसलिए हम बिस्किट का क्रम लिए हैं, इसमें ये जो बिस्किट का क्रम है इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके, पिस्ता, बादाम, काजू, कुछ भी ले सकते हैं, ये थोड़ा ओवन में रख देंगे क्रिस्पी होने के लिए। अब हम ओवन से निकाल देंगे, ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई। दिस इज रोज सिरप। प्लेटिंग करेंगे, ये थोड़ा सॉस डालेंगे। ये है अफगानी डिश मंटू विथ इंडियन वर्जन ऑफ स्पिनिच, क्रीमी स्पिनिच, एंड दिस इज शाही पनीर पैनाकोट। लोगों को उम्मीद करते हैं कि बहुत ही पसंद आएगा, ये तो बहुत ही टेस्टी और लजीज बनेगा जी, आप भी ट्राई कीजिए। और फेबिना वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने एक मौका हमें दिया कि इस तरह के डिशेस तैयार करने के लिए, और बहुत 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 शुक्रिया।